हरे कृष्ण, भजन बड़ा है या सेवा। श्रील प्रभुपाद ने अपने उपदेशों में हमेशा सेवा पर जोर दिया है। श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज भी अक्सर उन लोगों की आलोचना करते हैं जो भगवान की सेवा को छोड़ निर्जन भजन करने के लिए वृंदावन और राधा कुंड चले जाते हैं, लेकिन अंततः वे माया के शिकार हो जाते हैं। गुरुदेव ने एक सिंह की तरह दहाड़ते हुए उन सभी को सावधान किए हैं जो भक्ति के इस मार्ग में चलना चाहते हैं कि वे भगवान की सेवा न छोड़ें और निर्जन भजन के नाम पर आचार्यों का आलोचना ना करें। जो लोग दुनिया भर में भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, एक ऐसा आंदोलन जो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू किया गया था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से लेकर श्रील प्रभुपाद और श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज तक हमारे सभी आचार्यों ने एक स्वर में ऐसे लोगों की आलोचना की है। क्या इसका यह मतलब है कि सेवा भजन से बड़ी है? नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। आचार्यों के जीवन से सत्य का पता चलता है। आज के वीडियो में ऐसी ही एक शिक्षा का सार प्रस्तुत है। वर्ष 1887 में एक ऐतिहासिक चमत्कार होने वाला था जो गौड़ीय वैष्णव धर्म के भविष्य को बदलने वाला था, और यह आज की कृष्ण चेतना आंदोलन के अग्रणी सातवें गोस्वामी सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में घटित होने वाला था। यद्यपि यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अन्य सभी शुद्ध भक्तों की तरह ठाकुर भक्ति विनोद भी श्री श्री राधा कृष्ण के भजन में पूरी तरह से मग्न हो जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक समय पर अपने प्रचार कार्यों से खुद को सेवानिवृत्त करने और अपना शेष जीवन श्रीधाम वृंदावन में भौतिक गतिविधियों से दूर भगवान राधा कृष्ण के भजन में बिताने की योजना बनाई। एक वैष्णव हमेशा भगवान और अन्य वैष्णवों का आशीर्वाद चाहता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध शिवलिंग भगवान तारकेश्वर के पास गए। उन्होंने भगवान तारकेश्वर से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। वहां पर अवस्थान करते समय एक रात भगवान तारकेश्वर उनके सपने में आए और कहा, आप वृंदावन जाना चाहते हैं, लेकिन नवदीप धाम में अभी भी बहुत सी सेवा अधूरी है। अभी आपको बहुत कुछ करना है यहाँ पर। अगर आप चले गए तो उन्हें कौन पूरा करेगा? इसीलिए आप यहीं नवदीप में ही रहें और यहीं सेवा करें। भगवान तारकेश्वर से आदेश पाकर ठाकुर भक्ति विनोद ने भजनानंदी का जीवन जीने के लिए वृंदावन जाने की अपनी योजना छोड़ दी। ठाकुर भक्ति विनोद ब्रिटिश शासन के दौरान मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे थे। उसी वर्ष नवदीप के पास स्थित कृष्णनगर में उनका तबादला हो गया। जब ठाकुर भक्ति विनोद कृष्णनगर में काम कर रहे थे तो वे नवदीप में रहने लगे, और फिर उन्होंने मायापुर धाम में महाप्रभु के जन्म स्थान की खोज की। महाप्रभु का जन्म स्थान जो लुप्त हो गया था, उसका उद्धार हुआ। पूरा जीवन वे नवदीप में रहे और अपनी सेवा जारी रखी, दुनिया भर में भक्ति का प्रचार किया। यदि वे भजन करने के लिए वृंदावन चले जाते तो महाप्रभु के जन्म स्थान की खोज कौन करता? यह आज तक किसी को पता ही नहीं चलता। नवदीप धाम में रहकर उन्होंने जो सेवा की, वह आज की कृष्ण चेतना आंदोलन की नींव बनी। जो आंदोलन आज पूरी दुनिया में लाखों आत्माओं की जीवन रेखा बन गई है, उसका बीज ठाकुर भक्ति विनोद द्वारा बोया गया है। भगवान तारकेश्वर की ये लीला श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बायोग्राफी पुस्तक में लिपिबद्ध है। शायद भगवान शिव जी यही चाहते थे कि कलयुग में यह भक्ति आंदोलन देश विदेश दुनिया भर में प्रचार हो, और वो यह जानते थे, इसीलिए उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को वृंदावन जाने से रोका। भगवान शिव जी हमेशा चाहते हैं कि यह भक्ति पूरी विश्व में फैल जाए, और इसके लिए वे हमेशा उन भक्तों की मदद करते हैं जो भगवान चैतन्य के संदेशों को प्रचार करना चाहते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया है कि वैष्णव दर्शन में भगवान शिव की उपासना कैसे करना है।
श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज ने दृढ़ता से स्थापित किया है कि भक्तों को भगवान शिव की अवमानना का अपराध नहीं करना चाहिए, बल्कि जब भी उनका पूजा करें तो उनसे सिर्फ कृष्ण भक्ति की कामना करनी चाहिए। वैष्णव प्रवर शिव शंभो सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, इसीलिए भक्त लोग भगवान शिव से सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अटूट विश्वास पाने के लिए प्रार्थना करें। भगवान शिव से अगर हमें यह आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम शीघ्र ही कृष्ण प्रेम पा सकते हैं। इसका व्यावहारिक उदाहरण श्रील गुरुदेव ने एक लीला के माध्यम से दिखाया है। वरंगदा देवी दासी के बारे में हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया है कि कैसे भगवान तारकेश्वर ने उन्हें श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की शरण लेने में मदद की। वैष्णव बनने से पहले वह भगवान शिव की भक्त थी। वो अपने घर पर भगवान शिव की पूजा करती थी। श्रील गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद भी उन्होंने भगवान कृष्ण और महाप्रभु के साथ भगवान शिव की पूजा जारी रखी। उनकी एक गुरु भगनी और करीबी दोस्त मनोरमा देवी दासी याद करती हैं। हम बहुत करीब थे और एक ही इलाके में रहते थे। मैं अक्सर उनके घर जाती थी और वो हमारे घर आती थी। हम साथ मिलकर रोजाना इस्कॉन मंदिर जाते थे। एक बार मैंने देखा कि उनके घर के मंदिर में भगवान शिव की तस्वीर है। वो भगवान शिव की पूजा कर रही थी। मैंने तुरंत उनसे कहा कि अब आप वैष्णव हैं, वैष्णव गुरु से दीक्षा लेने के बाद भी आप भगवान शिव की पूजा क्यों कर रही हैं? भगवान शिव की पूजा करने वाले सही वह होते हैं। वैष्णव केवल भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा करते हैं। वरंगदा देवी को यह बात विश्वास योग्य लगी कि वो अब एक वैष्णव हैं, सैव नहीं। लेकिन वो भगवान शिव को सिंहासन से कैसे हटा सकती थी? उनका हृदय हमेशा भगवान शिव की कृपा के लिए कृतज्ञ रहता था। वो गुरुदेव के पास गई और पूछी, गुरुदेव, मैं अपने घर पर भगवान शिव की पूजा कर रही हूँ, क्या यह कोई अपराध है? क्या मुझे अपने मंदिर से भगवान शिव की तस्वीर को हटा देनी चाहिए? गुरुदेव ने पूछा, यह तुम्हें कौन बताया? मनोरमा माता जी ने कहा, उन्होंने उत्तर दिया। गुरुदेव ने कहा, उसको क्या पता है? अरे बाबा, भगवान शिव ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है, तुम उनकी पूजा कैसे नहीं करोगी? तुम्हें उनकी पूजा करनी चाहिए और उनसे हमेशा कृष्ण भक्ति की ही प्रार्थना करना चाहिए। वही तुम्हें कृष्ण भक्ति में लाए हैं और सुरक्षा दिए हैं। श्रील गुरुदेव से यह सुनकर वो आनंदित हो गई और अपने घर पर भगवान शिव की पूजा करती रहीं। गुरुदेव का यह अनुदेश सामान्य अनुदेश, जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि यह एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अर्थात विशिष्ट अनुदेश है। यह किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए विशिष्ट परिस्थिति में दिया गया अनुदेश है। भक्त लोग इससे कदापि यह न समझें कि गुरुदेव सभी को शिवजी की भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी शिवजी की पूजा करेगा उनसे सिर्फ कृष्ण प्रेम की ही प्रार्थना करनी चाहिए और दूसरा कुछ नहीं। अगर भगवान शिव की पूजा करके हम दूसरा चीज मांगते हैं तो हम और वैष्णव नहीं होते, हम एक कर्मी हो जाते हैं। भगवान शिव हमें वह दे सकते हैं, हम किसी अन्य आशीर्वाद के लिए उनकी सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव हमेशा भक्तों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं ताकि वे भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बन सकें। अगर हमें उनका आशीर्वाद मिल जाए तो निश्चित रूप से ही भक्ति में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं, भजन बड़ा है या सेवा। व्यवहारिक उदाहरण हमने अभी यहाँ पर देखा। श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज ने यह स्पष्ट किया है कि भजन और सेवा दोनों ही महान हैं। अपनी शुद्ध अवस्था में दोनों बराबर हैं, लेकिन सबसे पहले हमें खुद को शुद्ध बनाना होगा। मायाग्रस्त हम लोग भगवान का भजन नहीं कर सकते, उसके लिए भजन अधिकार होना चाहिए। कलयुग में हम सब कर्म अधिकारी हैं, इसीलिए हम कर्म में तो लग सकते हैं लेकिन भजन में नहीं।
अगर हम जबरदस्ती भजन करना चाहेंगे तो धीरे धीरे हमसे अपराध होगा। गुरु जब हमें सेवा में लगाते हैं तो वो हम में भजन अधिकार का जागरण करते हैं। इसीलिए जब तक हम उस अवस्था में नहीं पहुंच जाते, हमको स्वयं को शुद्ध करने के लिए सेवा करनी होगी। एक प्रामाणिक गुरु के तत्वावधान में भगवान कृष्ण की सेवा करनी होगी, उनका आदेश का पालन करना होगा, क्योंकि सेवा एकमात्र चीज है जो हमें शुद्ध कर सकती है। हमारे इंद्रियों को पवित्र करने के लिए सेवा को छोड़ कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब सेवा से हमारे इंद्रियां माया के प्रभाव से रहित शुद्ध हो जाएंगी, तब उन शुद्ध इंद्रियों से हम भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, और वो जो सेवा है वो भजन के अलावा और कुछ नहीं है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, शुद्ध भक्ति होते होए प्रेम उत्पन्न। जब कोई शुद्ध भक्ति में स्थित हो जाता है तो उसमें भगवत प्रेम का उत्पन्न होता है। संक्षेप में, सेवा ही भजन है और भजन का अर्थ है सेवा। दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते वे भजन और सेवा में अंतर करते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने अपने जीवन के दृष्टांत से इसे प्रतिपादन किया है कि सेवा ही भजन है और भजन ही सेवा है। चाहे वो वैष्णव प्रवर शिव शंभु हो या ठाकुर भक्ति विनोद या श्रील प्रभुपाद और श्रील गुरुदेव, सभी ने इसी एक बात का उपदेश दिया है, शुद्ध और सरल हृदय से की गई सेवा ही वास्तविक भजन है, और कपट हृदय और मन से किया गया भजन भजन नहीं बल्कि केवल दिखावा है। अगर हमें वास्तविक वस्तु यानी कृष्ण प्रेम चाहिए तो हमें शुद्ध होना होगा, और शुद्ध हृदय से जब हम भजन करेंगे तो वही सेवा है, और जो सेवा करेंगे वही भजन है। हरे कृष्णा।